जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं जो घटना लेकर आया हूँ वह सत्य कथा है और यह कथा मैंने गीत गोविंद से ली है। हिमालय के अद्भुत सिद्ध महात्माओं से भेंट। एक बार पिलखुआ पधारने पर मुझे पूज्यपाद आनंद श्री स्वामी जी श्री कपिल देवाचार्य जी महाराज के दर्शन सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनसे साकेतवासी योगीराज सिद्ध संत श्री स्वामी जी श्री ज्योति प्रकाश आश्रम जी महाराज के द्वारा बताई गई हिमालय में सिद्ध महात्माओं के दर्शन मिलन की चमत्कारपूर्ण बातें सुनने को मिली। उन्होंने बतलाया कि साकेतवासी योगीराज श्री स्वामी जी ने स्वर्गीय क्षत्रिय पंडित दत्त जी शास्त्री और धनोरा मंडी के परम श्रद्धेय पंडित श्री दिवाकर जी शास्त्री आदि विद्वानों के सामने ये बातें बतलाई थी। यह सुनकर मेरे मन में पूरी बातें जानने के लिए बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो गई। पूज्य श्री दिवाकर शास्त्री जी से मेरा पूर्व परिचय था और उनकी मुझ पर सदा कृपा दृष्टि रही है। मैंने उनसे पत्र व्यवहार किया। उन्होंने कृपापूर्वक स्वामी जी महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय चित्र पुस्तक और हिमालय में महात्माओं से मिलन संबंधी विवरण लिख भेजा। इसके लिए मैं उनका अत्यधिक आभारी हूँ। पूज्य श्री दिवाकर जी शास्त्री आदि विद्वानों के द्वारा विदित किया हुआ साकेतवासी स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय और स्वामी जी के द्वारा सुनाई सत्य घटनाएं उन्हीं की भाषा में ज्यों की त्यों इस प्रकार हैं। परम पूज्य प्रांतीय स्मरणीय योगीराज स्वामी श्री ज्योति प्रकाश श्रम जी महाराज पंजाब के अमृतसर जिले में एक बड़े रहीस के सुपुत्र थे। माता के राम कथा अमृत ने पुत्र की हृदय भूमि को भक्ति भावनाओं के लिए उर्वरा बना दिया था। शेषवा काल से ही श्री राम जी में आपका अटल अनुराग हो गया और आपका अधिक समय श्री राम जी के पूजन ध्यान और जप में ही व्यतीत होने लगा। आपकी संत महात्माओं में बड़ी श्रद्धा थी। धीरे धीरे वैराग्य का अंकुर हृदय में उदित होकर बढ़ने लगा। आपका चित्त उत्तराखंड में जाकर भजन ध्यान करने को ललायित हो उठा, परंतु माता के अनुरोध करने पर आपको घर पर ही रुकना पड़ा। कालक्रम के कुछ समय के पश्चात माता का भी स्वर्गवास हो गया। आपकी इच्छा भ्रमण के लिए उत्कट हो उठी और लगभग 15 वर्ष की अवस्था में आप बड़ी संपत्ति और सुख को लात मारकर घर से निकल पड़े और श्री हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए श्री बद्रीनाथ जी जा पहुँचे। श्री भगवान दत्त श्रोत्रेय जी महाराज स्वामी जी की पर्वत यात्रा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, स्वामी जी की पर्वत यात्रा बड़ी ही रोचक है और उन्होंने मुझे इस यात्रा का वर्णन ऋषिकेश में लाला श्री चरण दास जी की धर्मशाला अपने श्री मुख से सुनाया था। आपके श्री मुख से निकले हुए शब्द अब भी मुझे ज्यों की त्यों स्मृति पटल पर अंकित से दिखते हैं। संक्षेप में उन्हीं के शब्दों को आपके सामने रखता हूँ। स्वामी जी महाराज कहने लगे, मैं बद्री नारायण जी के दर्शन कर लोट मार्ग में पीपल चट्टी पर ठहरा। बड़े बड़े महात्माओं के मुख से मैंने अनेकों बार सुना था कि उत्तराखंड हिमालय में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं प्रथम किसी सिद्ध के दर्शन करूं और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए आगे के लिए लगकर भजन करूंगा। मैं मार्ग छोड़कर पीपल चट्टी के पूर्व की ओर पहाड़ों पर चढ़ने लगा। 20 दिन तक तो कहीं कहीं पहाड़ों पर पर्वतवासियों के ग्राम मिलते रहे। उनसे आगे बढ़ने पर बस्ती नहीं थी। कहीं कहीं हिंसक जीवों से चलने से बड़ी बनी हुई पगडंडियाँ मिल जाती थी। कहीं कहीं केवल वृक्षों की जड़ और झाड़ियों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। कोसा तक ऊंचे पर्वत मार्ग में पड़ते थे। उनकी ऊंचाई देखकर यह अनुमान होता था कि आगे इससे ऊंचा पर्वत न होगा, परंतु उसे लगने के बाद सामने उससे भी अधिक ऊंचा पर्वत दिख पड़ता था। नीचे दृष्टि डालने से भूमि के दर्शन नहीं होते थे, केवल अंधकार ही दिख पड़ता था। मैं दिन भर चलता रहा, रात कहीं ऊंची चट्टान बैठकर व्यतीत करता था। हिंसक जीवों से बचने के लिए अग्नि जला लिया करता था। रात्रि में सिंह आदि के गर्जन सुन पड़ते थे, परंतु श्री राम जी की कृपा से मुझे इससे भय नहीं लगता था। विधिवंश एक दिन मैं एक तंग पकडंडी से आगे बढ़ रहा था। एक ओर गगनस्पर्शी पर्वत था और दूसरी ओर पाताल वेदी खंड था। सामने दृष्टि की तो एक बब्बर शेर मंथर गति से धीरे धीरे मेरी ओर आता दिखाई दिया। बचक कर निकल जाना का मार्ग नहीं था, पीछे लौटना व्यर्थ था, क्योंकि सामने सिंह ने देख लिया था। पैर के तनिक से विचलित होने से अतल खंड में गिरकर मरना था। तब मैं सोचने लगा कि बस
हो चुके सिद्ध महात्माओं के हो चुके सिद्धों के दर्शन और देख चुका मैं सिद्धाश्रम, यहाँ तक ही देखना था। अब सिंह बिना खाए नहीं छोड़ेगा, अंत समय आ गया, अच्छा प्रभु की इच्छा, अस्तु अंतिम मति सो गति। यह विचार कर नेत्र बंद कर मैं हृदय में क्या देखता हूँ कि सामने धनुष बाण लिए श्री राम जी विराजमान है। सिर पर जटा और मुख अति मनोहर है, पीत वसन है, गले में वनमाला है। सरकार के अलौकिक स्वरूप में मन इतना लीन हुआ कि कुछ समय तक बाहर की शुद्ध बुद्ध न रही। अचानक ध्यान टूटा, सिंह समीप आ रहा था। विचार हुआ आने दो, सिंह के खाने से कुछ क्षण में श्री राम जी मिल जाएंगे। न जाने कितने समय तक जीवन का भार ढोकर दुख उठाना पड़ता। फिर प्रभु के स्वरूप का ध्यान लगा कर करने लगा, परंतु ध्यान न जमा। इसी बीच सिंह ने सामने आकर भूमि पर पंजे से थपकी दी और बू 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 शब्द किया। सिंह ने इसी प्रकार तीन चार बार किया, परंतु मैंने नेत्र नहीं खोले। मैंने सोचा कि यह अपने खाद्य को पाकर प्रसन्न हो रहा है, अब यह मुझे खाना प्रारंभ करने वाला है। ओहो, जब सिंह शरीर को फाड़ेगा तो कुछ समय तक मुझे बड़ी पीड़ा होगी। मैं यही विचार कर रहा था कि पीठ के पीछे रखा हुआ मैंने नेत्र खोलकर पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो वह महाभयंकर विशालकाय सिंह मेरे ऊपर से कूदकर जा रहा है। तब अपने प्रभु श्री राम जी की अपने ऊपर इस प्रत्यक्ष कृपा को देखकर मेरा हृदय गद गद हो गया। हृदय से बार बार यह पद निकलने लगा, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। कुछ समय के पश्चात विचार हुआ कि अच्छा होता कि सिंह मुझे अपना आहार बना लेता, सरकार के दर्शन होते और विषय वियोग की ज्वाला शांत हो जाती। किन्हीं पुण्यों से यह मिलन सुअवसर प्राप्त हुआ था, परंतु मेरे किसी प्रबल पाप ने आकर बीच में विघ्न डाल दिया। सरकार ने मुझे अत्यंत पतित जानकर ही अपने चरणों में नहीं बुलाया। इस विचार ने मुझे विहल कर दिया, मैं फूट फूट कर रोने लगा। मार्ग में चलते हुए तीन दिन तक मेरे नेत्रों से प्रेम आंसू बहते रहे। आगे चलकर इसी प्रकार एक बड़े भालू से मुठभेड़ हुई, उससे भी मेरी श्री राम जी ने रक्षा की। इसी प्रकार उस निर्जन पहाड़ी वन में चलते चलते मुझे 2 मास व्यतीत हो गए, परंतु किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं हुए। हृदय में कुछ कुछ निराशा सी होने लगी। फिर भी मैं धोरे से आगे बढ़ता ही रहा। लगभग 2.5 मास की यात्रा के उपरांत मुझे एक पर्वत पर एक समतल भूमि मिली। मैं वहाँ कुछ दिन के लिए ठहर गया। मेरे पास एक बैसाखी थी जिससे मैं कंद खोदकर उधर पूर्ति कर लेता था। कंदों की पहचान महात्माओं के द्वारा मुझे पहले ही हो गई थी। हिमांचित बर्फ से ढके स्थानों को छोड़कर ऐसे कंद प्राय पहाड़ों पर सभी जगह मिल जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और इनका स्वाद बड़ा मधुर होता है तथा पचने में ये बड़े हल्के होते हैं। अन्य प्रकार के वन्य फल भी ऋतु के अनुसार सर्वत्र मिल जाते हैं। वहाँ रात्रि में औषधियों से दीपक के समान प्रकाश निकलता था। लगभग 4 गज के अंतर पर यह प्रकाश दिखता था और पास जाने पर लुप्त हो जाता था, अतः उस औषधि की पहचान न होती थी। सिद्ध ब्रह्मचारी से भेंट एक इस प्रकार उस प्रभु की प्राकृतिक दिव्य महिमा को अनुभव करते हुए कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन एक बड़े ऊंचे कद के जटाधारी ब्रह्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे संस्कृत में पूछा, कुश्चित समायात, तो कौन है और कहाँ से आया है? संस्कृत का अधिक अभ्यास न होने के कारण मैंने उसका उत्तर हिंदी भाषा में दिया। इस पर ब्रह्मचारी ने पूछा, तू यहाँ कैसे आया? यहाँ आना तो बड़ा कठिन है। महाराज, आना तो निसंदेह कठिन था, परंतु श्री राम जी की कृपा से चला आया हूँ। मैंने महात्माओं से सुना है कि हिमालय पर सिद्ध लोग रहते हैं, यहीं उन्हीं के दर्शनों की उत्कट इच्छा मुझे यहाँ ले आई है। इसे सुनकर वे मुस्कुराए और बोले, भाई, सिद्ध जन तो ऋषिकेश से लेकर पर्वतों पर सर्वत्र रहते हैं, परंतु साधारण जनों को दिखते नहीं। तुम ही बताओ, तुमने गायत्री के कितने पुरश्चरण किए हैं, कौन सा तप किया है, अथवा कौन सा अध्यात्म शास्त्र का मनन करके आत्मज्ञानी बने हो जिसे तुम सिद्ध महात्माओं के दर्शन उपलब्ध हो सकें? आओ, लौटकर अपने देश चले जाओ। ब्रह्मचारी के इन वचन को सुनकर मैंने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, अब मैं लौट नहीं सकता। यहीं रहकर मैं श्री राम मंत्र का जप करूंगा, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। 1 मील की परिवृद्धि वाला अद्भुत वटवृक्ष। मेरे इस आग्रह को देखकर ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा,
जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। इसके अनंतर उन्होंने मुझे एक बूटी दिखलाकर कहा कि इसका एक तोला अर्क निकालकर पीने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती और बल भी क्षीण नहीं होता, तुम चाहो तो इसका सेवन कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ के वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि यह स्थान भजन करने के लिए बहुत उपयुक्त है, तुम यहीं रहो। इसके अनंतर ब्रह्मचारी भी चले गए। उस पड़ को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसकी परिधि 1 मील से कम न होगी, ऊंचाई भी असाधारण थी, वर्षा और धूप उसके सघन पत्तों से छनकर नहीं आ सकती थी, उसकी अधोभूमि शीत काल में उष्ण और उष्ण काल में ठंडी रहती थी, पास ही निर्मल और मधुर जल का झरना बह रहा था, इधर उधर गुफाएं बनी हुई थी, इसके नीचे कहीं कहीं धुनी भी लगी हुई दिखती थी, परंतु कोई महात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। देश में किसी किसी महात्मा से इस वट वृक्ष के संबंध में सुना करता था, आज उसे पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ रहकर भजन करने लगा। तो मित्रों, आज का प्रसंग मैंने यहाँ तक आपको सुनाया है। अगले प्रसंग के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो में मैं इसकी अगली कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मित्रों, यदि कथा अच्छी लगे, प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।